नमस्कार चिन्मो जी आप का आज तक बहुत स्वागत है हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में आ, क्या स्थिति है खास पे जो के मंदिर हैं या जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके लिहाज से अगर हम समझे इस वक्त तो क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे प्रभु जी धीमी स्थिति है आ, बहुत अच्छा नहीं ऑलरेडी बांग्लादेश हिंदू बुद्ध क्रिस्टन परिषद है और 45 प्लेस में हिंदू टेम्पल हिंदू संख्या लघु हिंदू जनगोष्ठी का ऊपर है हमला हुआ अटैक हुआ दो तीन हिंदू लीडर मृत्यु वरण किया तो इसका मेहरपुर है वहाँ पर काल रात में अग्नि संयोग हुआ और आदर्श टेम्पल इसका एटक नहीं हुआ परिस्थिति अच्छा नहीं है परिस्थिति अच्छी नहीं है जब आप कह रहे हैं तो इससे क्या तात्पर्य है क्या वहाँ पे टेंशन है या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त भीड़ आके इन मंदिरों पे हमला कर सकती है या नारेबाजी कर सकती है? है, है, आ, 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 हमला है हमला का बहुत संभावना है हमला का बहुत संभावना है और आ, सब भक्त लोग और हिंदू जनगोष्ठी पहारा दे रहा है चिटागंग में थ्री टेम्पल में अटैक के लिए चाहिए और थोड़ा अटैक किया और हिंदू जनगोष्ठी और कुछ मुस्लिम पीपल सहायता किया मिल से प्रतिरोध किया और हिंदू टेम्पल अटैक का संभावना है जी तो चिन्मो जी आप बता रहे हैं कि चिटगोंग में जहां आप हैं इस वक्त वहां पे तीन जो हिंदू मंदिर हैं उन पे अटैक की संभावना थी जिसमें हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय ने मिलकर इन मंदिरों को बचाया सुरक्षित किया ये कह रहे हैं आप ठीक है ठीक है प्रभु जी जी एक और चीज लेकिन ऐसी स्थिति में फिर वहां बांग्लादेश में पुलिस की तरफ से या आर्मी की तरफ से क्या सुरक्षा मिल पा रही है आप लोगों को इस वक्त मंदिरों के लिहाज से प्रभु जी मैं कल आ, लोकल प्रशासन इनो उपजिला हेड में फोन किया रेफ बांग्लादेश रेफ़िट एक्शन बेटालियन में फोन किया आ, उन नहीं सहायता के लिए अपारगता किया और पुलिस ड्रेस सेंस किया और आ, भागा बहुत पुलिस स्टेशन अटैक किया और बहुत पुलिस लोग ड्रेस चेंज किया और भागा आप बता रहे हैं कि पुलिस खुद इस वक्त भागने की स्थिति में है बांग्लादेश के अंदर तो पुलिस से बहुत ज्यादा आपको उम्मीद नहीं है फिर प्रोटेक्शन की पुलिस रेफिट एक्शन बेटेलियन आदर्श है नो हेल्प आ, हेल्प के लिए अपारगता किया मैं चिटागंग में जो सेना बाहिनी का नंबर दिया उनको जी। साथ बात किया उन मेरे बताया जो चिटागंग में जो कैपी सेंटर है मेन मेन गवर्नमेंट सेंटर उनको सिक्योरिटी के लिए हिमसिम हाराए हैं फिलहाल आप बता रहे हैं कि जो आर्मी है उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं चिटगा के अंदर उनको सुरक्षित किया जाए एक और सवाल चिन्मय जी मेहरपुर के वीडियोस हमें प्राप्त हुए मंदिर के जो स्कॉन मंदिर है और उसमें उन वीडियोस में दिख रहा है कि किस तरह से एक तरह से तोड़फोड़ हुई है वहां पे और आगजनी की कोशिश हुई है तो वहां एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था मेहरपुर के मंदिर में और जो जिस स्थिति में वो मंदिर दिख रही है वो कैसे हुआ टेम्पल में जो भक्त लोग मेरे साथ बात किया और काल रात में बहुत लोग अटैक किया और संजो किया भंगसुर लूटपाट हो रहा है भगवान का डी टी अटैक किया ओ भक्त लोग प्राण के साथ भागा भक्त जो है वो जान बचा के भागे और कल देर शाम ये अटैक्स हुए थे मेहरपुर के मंदिर पे मध्यरात्रि में मध्यरात्रि मध्यरात्रि में अह चुनम जी एक और ये सवाल जरूर इस वक्त बनता है कि आ मंदिरों की ये स्थिति है आ, तो ऐसे में जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में है वो अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रहा है या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है ना केवल हिंदू क्रिश्चियंस बौद्धिस्ट इन लोगों की क्या स्थिति इस वक्त फिलहाल बनी हुई है प्रभु जी हिंदू लोग को बहुत दुख है जो बांग्लादेश में निर्वाचन हो टाइम और पॉलिटिकल चेंज टाइम सब टाइम में हिंदू लोग अटैक होता है और अभी बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहा है और थोड़ा थोड़ा बहुत परिचित हिंदू लोग बॉर्डर क्रॉस किया इंडिया में भागा अच्छा ये भी चल रहा है ये क्या वेस्ट बंगाल की तरफ आप लोग जा रहे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में कुछ जा रहा है और त्रिपुरा में किचु जा रहा है मेरा बहुत परिचित लोग है जी. तो ये डर की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग निकल के पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा के रास्ते भारत आने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा सिक्योरिटी नहीं बहुत राजनीतिक लीडर मेरा जो आ, पास एरिया राहुजान है वो काल चार लोकल चेयरमैन है यूनियन परिषद का चेयरमैन आपको पंचायत प्रधान कील, कील किया हत्या किया लाइफ रिक, री, लाइफ रिक्स और आक्रमण होता है इसलिए टोटल हिंदू लोग में घर का बाहर नहीं जा रहा है और अनसिक्योर आन, फील कर रहा है तो चुनमेल जी ये किसी विशेष ग्रुप के लोग हैं किसी पार्टी के लोग हैं हमला कर रहे हैं जो या किसी संगठन के लोग हैं जिन लोगों से ज्यादा खतरा इस वक्त महसूस हो रहा है प्रभु जी वो जो लो कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं वो आम... राजनीतिक लोग हैं बांग्लादेश में अभी समय नहीं हुआ जो सत्य बताने के लिए ठीक है एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जो स्थिति आप बता रहे हैं कि आ, कुछ मंदिरों पे हमला हो रहा है और जो लोग जो लोग करा है वो संतरासवादी लोग हैं वो कौन लोग हैं संतरासवादी लोग हैं जी आ, एक आखिरी सवाल सर कि जो स्थिति बनी हुई है आप बता रहे हैं कि मंदिरों की सेफ्टी को लेके एक चिंता है आपको कई सारे लोग अपनी जान को बचा के पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते भारत आने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या भारत की सरकार से आपकी कोई अपील है या आप लोगों ने भारतीय एम्बसी से वहां पे किसी तरह का संपर्क साधने की कोशिश की है अपने एंड पे बांग्लादेश को जो बंधु राष्ट्र है ऑल बंधु राष्ट्र संख्यालघु कम्युनिटी के सेफ के लिए सब बंधु राष्ट्र बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत पॉलिटिकल पार्टी सब लोग के मेरा मिनती है बांग्लादेश असाम्प्रदायिक एक राष्ट्र विनिर्माण के लिए सेवेंटी वन में स्वाधीन हुआ तो सब लोग एक साथ मिल का बांग्लादेश को सब नागरिक के के सुरक्षा लिए प्रयत्नवान होगा ए, ए मेरे प्रार्थना है जी और क्या आप लोगों ने भारत सरकार से भी कोई अपील की है ओ, ब, ब, जो बांग्लादेश को स्थिति के डेवलप के लिए भारत तो बहुत ज्यादा बंधु राष्ट्र है सहयोग दे रहा है तो बहुत अच्छा होता है ठीक है और आखिरी में मैं ये बस चलते चलते समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो अटैक्स का दौर है जो हमले आप बता रहे हैं या जो सेफ्टी कंसर्न है ये अचानक से जब शेख हसीना कल वहां से बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आई भारत आई उसके बाद अचानक से बढ़ा या पिछले कई दिनों से यही स्थिति बनी हुई है कोई दिन पर नहीं और जो बांग्लादेश में शेख हसीना बांग्लादेश में इंडिया चले जाएगा तो तभी बांग्लादेश में ऐसा सु हो तो मतलब शेख हसीना के भारत आने के बाद से ये अटैक्स उसमें टीटी आई है इसकी टाइम में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं बांग्लादेश में और सेना बाहिनी बहुत अच्छा चेष्टा कर रहा है ओ, अभी टोटल प्रशासन फेल टोटल प्रशासन मैनेजमेंट फेल ठीक है चिन्मय कृष्ण दास जी हम उम्मीद करेंगे कि आप सेफ रहें और जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कंसर्न है इस वक्त वो संभवतः वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं वो उस वक्त सुन भी रही होंगी तो हम उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सुरक्षा के लिए तमाम काम करेंगे आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद है।